हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। सो गाइस, आज है थर्सडे और आज भी क्या है, ऑफिस जाना है। आज है ऑफिस में मीटिंग, तो एक्चुअली मेरे को जल्दी जाना है, तो अभी भी जस्ट मैं उठा ही हूँ। गुड मॉर्निंग पापा, कैसे हो? ये कंबल क्यों ले रखा है आपने? ऐसे ही सर्दी लग रही क्या? अच्छा चलो ठीक है, चाय बनाओ। ठीक नहीं नहीं बना ली, पाँच साढ़े पाँच हो गए हैं, तो अभी नहीं, बाद में। ठीक है, तो फिर मैं अपने लिए तब तक ब्रेकफास्ट रेडी कर रहा हूँ। तो अभी गाइस ब्रेकफास्ट में आज मैं बना रहा हूँ अपने लिए प्याज के परौठे, क्योंकि आजकल लंच करने के लिए तो मैं घर ही आ रहा हूँ, तो दो तीन या चार बहुत हैं, उसके बाद तो फिर हो ही जाता है। मेरे को भूख भी नहीं लगती वैसे भी, फिर रूम पे आके ही खा लेता हूँ, भाभी बना देते तो खा लेता हूँ मैं। तो अभी करते हैं फटाफट, पहले आटा गूंथ लेता हूँ, उसके बाद फिर दो दाने प्याज या फिर एक दाने में तीन पराठे तो बने जाते हैं आराम से। तो अभी गाइस पापा जी कह रहे हैं चाय भी बना दे, तो मैंने फ्राई पैन भी चढ़ा दिया है, अभी आटा भी गूंथता हूँ और उसके साथ साथ मैं चाय भी बना लेते हैं। तो गाइस आटा तो मैंने गूंथ लिया है और अभी प्याज काटना है। तो अभी गाइस प्याज तो मैंने काट लिया है और इसमें मैंने अजवाइन, एक मिर्ची और नमक, सारा पेस्ट भी बना दिया इसका। तो अभी बनाते हैं पराठे फटाफट। तो अभी गाइस पराठे तो रेडी हो चुके मेरे ब्रेकफास्ट के लिए, देन अभी पापा के लिए चाय रेडी कर रहा हूँ। चाय अभी तो मैंने उसी टाइम पे बना ली थी, बस खाली सर्व करनी बाकी पापा को। तो पापा की चाय रेडी, हेलो पापा चाय। तो अभी गाइस मैं चलता हूँ नहाने के लिए। तो अभी गाइस नहा के तो आ गया हूँ, अभी फटाफट मेरे को ब्रेकफास्ट पैकिंग करनी है। तो अभी गाइस टिफिन भी पैक कर लिया, बैग तो अभी गाइस चलते हैं ऑफिस के लिए सीधा। पापा जी तो बाहर पानी भर रहे हैं, बाहर से बाय बोलेंगे उनको, बाय पापा। तो अभी गाइस आजकल कुछ दिनों से कुछ पानी का इश्यू चल ही रहा है, बट वो इश्यू नहीं है क्योंकि वो आंटी के कुछ मोटर में प्रॉब्लम है, उस वजह से क्या है वो सुबह शाम ही आजकल वो मिल पाता है, क्योंकि ओवरलोड हो झेल नहीं पाती मशीन, इसीलिए पापा को लगता है कि यहाँ पानी अब मिलेगा नहीं। उनको गाँव की आदत लगी हुई है ना, इसीलिए वो सुबह सुबह उठ के अपना भी पानी भरना था, पड़ोसियों का भी पानी भरना, सबका पानी भर देता है सुबह शाम में। अभी देखो पानी भर रहे थे बाहर में। अभी ऑफिस तो मैं टाइम से ही हूँ, बट आ जाए ऑफिस में मीटिंग, तो उसके चलते थोड़ा जल्दी जाके सेटअप करवाना है, इसीलिए फटाफट थोड़ा जल्दी भाग रहा हूँ। तो अभी गाइस पहुँच गया ऑफिस में, हम लोग जुड़ते हैं शाम को 4:30 बजे, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर गाइस। तो अभी गाइस निकल गए हूँ ऑफिस से, अभी जा रहा हूँ सीधा घर के लिए। आज एक सरप्राइज जैसा ही हुआ है मेरे साथ में, पहले मेरा ऑफिस 17 फ्लोर पे था, अभी मेरे को वहाँ से मतलब हालांकि हम दो लोग देखते थे, बट अभी दो लोग की जगह मैं आप देखने के लिए, तो पहले दूसरे बंदे को भेजे थे, तो फिर सर बोले कि नहीं प्रकाश को भी एक चांस दो, तो अभी देखो क्या होता है, अपना तो बेस्ट दूंगा मैं, बट थोड़ी सी नर्वसनेस होती है संभालना, देखते हैं अभी, लेट्स सी, वो तो आप लोगों को अपडेट देता रहूँगा। तो अभी गाइस चलते हैं अभी घर के लिए। तो अभी गाइस पहुँच गया हूँ घर में। तो अभी गाइस आज करूँगा मैं कुकिंग में, सीताफल की सब्जी बनाएंगे। हाँ पापा, किस चीज़ की सब्जी बनाऊँ आज? सीताफल, सीताफल गद्दू बोलते हैं जिसकी, ठीक है, सीताफल की सब्जी बनाएंगे आज। तो चलते किचन में, कटिंग स्टार्ट करते हैं, उसके बाद फिर बनाते हैं, ठीक है पापा? चाय तो पी ली आपने, हैं? तो भी गाइस आज पापा ने क्या, पहले से काम करते हैं वो, जब वो गांव में रहते थे तब भी वहाँ अपना काम खुद कर लेते थे, उनको जो भी चाहिए मतलब गैस में जाके चाय बनाना, हर चीज़ करना, बहुत सारा गाँव में सोच लगता है, जो पहाड़ी लोग हैं उन लोगों को ये सोच के बारे में पता होगा, क्योंकि वहाँ घास वास काटनी पड़ती है, फिर वो बड़े बड़े वो लगाने पड़ते हैं, उसके क्या बोलते हैं उनको, शू लगाने पड़ते हैं,
उसके बाद क्या होता है कि उस टाइम पे लोग बहुत बिजी रहते हैं, ठीक है। तो हमारे भी घर में मैं हो गया, मेरी सिस्टर और मेरी मम्मी पापा भी, तो हम लोग तो खैर मम्मी और शीला तो वहाँ पे बिजी रहते थे घास फूस काटने में, देन पापा बनाते थे उनके लिए खाना गैस में, कभी चूल्हे में, कभी कैसे करके, मतलब करते हैं पापा, बहुत काम करते हैं। तो यहाँ पे भी आज उन्होंने खुद चाय बनाई है अपने लिए भी, देन मेरे को भी पिलाई है और भाभी को भी पिलाई है। पापा खुद सेवा करते हैं, मतलब लगे रहते हैं काम पे। तो आज मैं बनाऊँगा सीताफल की सब्जी, ठीक है पापा, तो चलते हैं किचन में अभी। तो भी ले लिया सीताफल, तो भी स्टार्ट करते हैं अभी कटिंग। तो अभी गए सीताफल तो काट दिए, अभी रह गए प्याज टमाटर काटने। तो अभी गए प्याज और लहसुन भी काट दिया, अभी बनाते हैं सब्जी। तो अभी गए तब तक तो सब्जी बन रही है, यहाँ पे क्लीनिंग कर लेता हूँ, देन आटा भी गूंद लेता हूँ तब तक फटाफट। तो अभी गाइस क्लीनिंग भी हो गई यहाँ पे, अभी आटा गूंदते हैं। तो अभी गाइस आटा तो मैंने गूंद लिया है, मेरे फ्रेंड का कॉल आ गया था तो उस वजह से वो फिर वीडियो स्टार्ट हुई नहीं, तो फिर मैं आटा गूंदता रहा, उससे मैं कंटिन्यू बात करते रहे, तब तक मैंने आटा भी गूंद लिया है। वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वो मुझे बहुत हेल्प करता है वहाँ ऑफिस में, काम में, हर चीज़ में, मतलब साथ देता है। अभी भी जब मिले मैं तेरा साथ दूंगा, जो भी है काम हम मिलजुल के करेंगे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा उसकी ये बातें सुन के। तो अभी गाइस आटा तो मैंने गूंद लिया है, अभी बनाते हैं रोटी, सब्जी भी ऑलमोस्ट डन है। तो अभी गई सारा काम कर लिया किचन में, बर्तन जो भी था, खाना वाना बनाना सब एवरीथिंग डन कर दिया है। अभी जा रहा हूँ नहाने, बहुत गर्मी लग रही है, उसके बाद फिर सीधा डिनर करूँगा, फिर कल से ऑफिस का शिफ्ट भी चेंज है, अभी देखो फिर क्या होता है। अभी जाता हूँ सीधा नहाने के लिए। तो अभी गई नहा के आ गया हूँ और अभी करता हूँ डिनर, बहुत ठंडा महसूस हो रहा है अभी, भाई साहब भारत खराब है आजकल तो गर्मियों से। पापा जी देखो, हेलो पापा जी, क्या हूँ खाना नहीं खाना खाना नहीं खाना कभी खाओगे? गर्मी भी नहीं लग रही आपको? नहीं अच्छा, क्या हो रहा है आपको? कुछ नहीं है, ठीक है, मैं कर रहा हूँ फिर डिनर है। तो अभी गाइस ये सीताफल की सब्जी और रोटी, सब्जी देखने में तो अच्छी लग रही है, अब खाने में कैसा टेस्ट है वो मैं आपको खाने के बाद बताऊँगा, बट अभी बहुत अच्छी लग रही है। तो गाइस डिनर करते हैं अभी। तो अभी गाइस डिनर तो कर लिया है और अभी बहुत नींद भी आ रही है, तो अभी एडिटिंग करते हैं उसके बाद फिर सोने की तैयारी। तो अभी गाइस इस ब्लॉग को करता हूँ यहीं पे एंड, आई होप कि आपको ब्लॉग पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट्स करना और शेयर करना, और अगर मेरे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर गाइस, मिलते जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में।